दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का करियर प्लानर द्वारा प्रेजेंट किया हुआ अचीवर स्टॉक में। मैं भूपेश कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता हूं करियर प्लानर स्टूडियो से। और आज हमारे अचीवर रश्मि कुमारी हमारे साथ हैं, जो इस बार IBPS क्लर्क एग्जाम को पास किए हैं और इनको इलाहाबाद बैंक मिला है। मैं रश्मि के बारे में इनसे खास बातचीत करने से पहले इनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। इनके पिताजी बिहार सरकार में कार्यरत हैं, ये बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। एक छोटा भाई है जो कि कोटा में रहकर IIT की तैयारी करता है। एक बड़े संतान होने का इन्होंने बहुत अच्छा फर्ज निभाया। एक लड़की होकर विमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है इन्होंने सिद्ध कर दिया कि लड़की होकर भी बहुत आसानी से जो समाज को चाहिए वो आराम से कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने पास किया। तो डिटेल बातचीत खास बातचीत रश्मि से ही करेंगे। और रश्मि आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। और उम्मीद करते हैं कि आप काफी खुश होंगे, आपके परिवार वाले काफी खुश होंगे। यस सर, ऑब्वियसली इस एज में नौकरी पाना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और आपने ये प्रूफ किया है कि कितना कम समय में नौकरी पाया जा सकता है। यस सर, कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड है तो डेफिनेटली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रश्मि, आपसे सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा कि आपने बैंकिंग सेवा का ही चयन क्यों किया, आप दूसरे सेवा के लिए क्यों नहीं गए? सर, बैंकिंग इंडस्ट्री एक बहुत स्कोप वाली इंडस्ट्री है, इसमें हायर ग्रोथ देखने को मिलते हैं और इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं और लड़कियों के लिए खास करके बैंकिंग इंडस्ट्री हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, तो सर इसीलिए। सही 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 कहा रश्मि ने कि बैंकिंग इंडस्ट्री बेसिकली एक मार्केट लिंक जॉब है, विन-विन सिचुएशन होता है एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए। तो जाहिर सी बात है रश्मि अपने आप को बैंकिंग इंडस्ट्री में लंबे समय के लिए देखना चाहती हैं और अपने आप को कस्टमर सर्विस और बॉस मैनेजमेंट की कला को सीखकर इस इंडस्ट्री में अपना एक नाम कमाना चाहती हैं। तो रश्मि बहुत बहुत बधाई आपको फिर से एक बार कि आपने इतने कड़े एग्जाम को, जहां लाखों लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं और चंद सैकड़े बच्चे में आप पास किए हैं और आपका सिलेक्शन बिहार से हुआ। यस सर, बिहार से। और बिहार में कितने सीट थे टोटल? सर, एज आई एम जनरल तो 165 सीट थे। यही मैं बताना चाहता था आप सभी लोगों को बच्चों कि 165 सीट में सिर्फ 165 सीट पूरे बिहार प्रदेश से इस बार IBPS क्लर्क के लिए जनरल कैटेगरी में था, उसमें एक पद रश्मि को भी मिला। ये बहुत बड़े इनके लिए उत्साह की बात है। तो आते हैं इनके जर्नी के बारे में जिसके लिए आप बहुत इच्छुक होंगे जानना, क्योंकि लाखों बच्चे हिंदुस्तान में इसकी तैयारी करते हैं एक ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो सुनते हैं इन्हीं के मुंह से कि आपकी जर्नी कैसे रही, आपने तैयारी कैसे की, कहां से की और कैसे आप अपनी तैयारी को अंजाम दिए और यहां तक पहुंचे, थोड़ा डिटेल में बताइए। सर, मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था, ग्रेजुएशन की एग्जाम अप्रैल में हुई थी और मैंने मई में करियर प्लानर में एज ए कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। करियर प्लानर जब मैंने ज्वाइन किया तो सर ने अलायंस क्लब के बारे में बताया और उन्होंने 2 महीने के बाद अलायंस क्लब की परीक्षा देने के लिए कहा। तो मैं अलायंस क्लब में 2018 दिसंबर में मैंने ज्वाइन कर लिया और अलायंस क्लब एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, खास करके बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ना कि सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है बल्कि डिस्क्रिप्टिव से लेके हम लोग प्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब हम लोग वहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे इतना बिहार में ऐसा कोचिंग होना बहुत बड़ी बात है और मुझे ये मिला 2018 में लास्ट दिसंबर में और मैंने एक साल बहुत मेहनत किया और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भी निकाले। मेरा पहला एग्जाम था IDBI एग्जीक्यूटिव, IDBI असिस्टेंट मेंस, उसके बाद मेरा फर्स्ट PT निकला है SBI PO PT निकाल के मैंने SBI PO मेंस भी निकाला और फिर वो मेरा पहला अटेम्प्ट, पहला मेंस जो मैंने निकाला था उस टाइम। फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया बट मेरा कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम से छूटा है मेरा 2% से, तो थोड़ा उस टाइम लगा था लेकिन इतनी जल्दी इतना ज़्यादा मुकाम पाना बहुत बड़ी बात होती है। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उस टाइम मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम दिया। फिर मेरा RRB PO निकला, RRB PO PT दिया मैंने, वो मेंस दिया, फिर ESIC का मेंस भी दिया है मैंने, पर कंप्यूटर स्किल भी मेरा पास हो गई थी बट सीट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई। बट लास्टली मेरा एग्जाम जो कि 2019 में ही हुआ है क्लर्क, वो मेरा निकला है इलाहाबाद बैंक से और मेरे मार्क्स 101 मार्क्स थे जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है अभी इस कंपटीशन के माहौल में इतना ज़्यादा लाना। सर दैट्स ग्रेट रश्मि। रश्मि ने आप लोग को बताया कि इनकी यात्रा 2018 मई से स्टार्ट हुई और 2019 यानी लगभग मात्र एक साल सवा साल के अंदर इन्होंने उस मुकाम को
हासिल कर लिया इसने कम उम्र में, एवरेज एज इतना कम होता है इस कोचिंग का जैसा इन्होंने बताया, जिसमें ये भी एक है, जिससे कि बहुत तेजी से इनको सफलता मिल गई। आज ये IBPS क्लर्क के रूप में चयनित हो गए हैं अलाहाबाद बैंक में। इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि ये अपनी तैयारी को रोके हैं। जाहिर सी बात है इनका अगला अटेम्प्ट SBI PO पे होने वाला है या IBPS PO पे होने वाला है। तो अगला सवाल मेरा इनसे यही है कि आप ये रिजल्ट आने से पहले, आप दो महीने या ढाई महीने से जब लॉकडाउन का समय आया और जब आप लोग कोचिंग बंद हो गया, तो आपने क्या किया, किस तरीके से आप एलाइज क्लब का काम किए और कैसे अपने आप के अंदर आपने डेवलपमेंट किया? सर, मैंने पढ़ना कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने एग्जाम दिया था IBPS क्लर्क मेंस का जनवरी में, लेकिन एलाइंस क्लब से जुड़ी रही। उसमें जब लॉकडाउन हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ, क्लब एट होम का कॉन्सेप्ट आया, वो सर ने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया और वो बहुत अच्छा और अभी बहुत सफल है। सर ने ऐप, कैरियर प्लानर ऐप भी लाया जो कि बहुत अच्छा है, उस पर टेस्ट दे सकते हैं हम लोग, टाइमर है, ये सब बहुत अच्छा है। और इसमें मैं लगी रही, सारे मेंस के पेपर अभी दे रही हूँ। उसके बाद अभी जो आने वाले मेंस हैं, SBI क्लर्क मेंस मेरा PTE होगा अभी, फिर SBI PO PTE जिसकी तैयारी सर करवा रहे हैं, उस पर कैरियर प्लानर क्लब एट होम अभी बहुत ज्यादा सफल है, जिसकी तैयारी हम लोग अगर अच्छे से करें तो जरूर मेरा निकलेगा। जब तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ जाता मैं कैरियर प्लानर से जुड़ी रहूंगी अलायंस क्लब से, और क्लब एट होम में जरूर टेस्ट देती रहूंगी। ना कि सिर्फ टेस्ट देती रहूंगी बल्कि वहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव करते हैं सर, और फिर उसमें प्रेजेंटेशन भी होता है, हम लोग व्हाट्सएप वीडियो पे प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। तो ये सर ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, बल्कि मैं कहूँगी कि पूरी जो किसी को भी अगर कुछ सीखना हो तो वो कैरियर प्लानर में आए, ये बहुत मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे ये मिलना बहुत बड़ी बात है। तो रश्मि, थैंक यू आपको बहुत बहुत, आपका अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, और आपको लग रहा है कि नहीं इतना करने से कोई भी विद्यार्थी अच्छा कर सकता है। यस सर, क्योंकि मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, जब मैं कोचिंग में आई थी तो मेरा जीरो लेवल था। सर ने उसी टाइम बोला था कि हम लोग जीरो से हीरो लेवल तक ले जाएंगे, जो कि सही में होता है। अगर आप सर की बात माने और इधर उधर ना भटके, सर की बात मानते रहे, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि अचीवर्स टॉक में ये वार्तालाप, खास बातचीत रश्मि के साथ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट से, फ्रैक्शन से छूट जाते हैं। किसी को एसी का दफ्तर का हवा मिलता है, कोई रोड पे धूल फाँकता है, अंतर ये नहीं होता कि वो नहीं पढ़ता है, पढ़ता सभी लोग है, लेकिन रिजल्ट कम से कम आ पाते हैं। जाहिर सी बात है आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। तो चलिए, अब अगले शो में और भी हम अचीवर से आपकी मुलाकात कराएंगे। थैंक यू रश्मि। दोस्तों, करियर प्लानर के इस स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं भूपेश कुमार लेकर आया हूं अचीवर स्टॉक, जिसमें मैं आपकी खास बातचीत करा रहा हूं सफल हुए करियर प्लानर के सिटिंग क्लासरूम से, सफल हुए बैंकिंग, SSC, रेलवे, ESIC, FCI, तमाम रेलवे, तमाम एग्जामिनेशन में जो बच्चे यहाँ से पास करते हैं, उनसे मैं मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छी एनर्जी मिल पाए, एक अच्छी सिनर्जी में कन्वर्ट हो पाए आपकी एनर्जी, आपको एक सही मार्गदर्शन मिले। और जो सफल हुए बच्चे हैं उनकी जब जुबानी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ऐसा करने से किया जा सकता है। ठीक है, तो आज इस कड़ी में आपकी मुलाकात मैं कराने जा रहा हूँ सिमरन से, जो अभी जस्ट IBPS क्लर्क की परीक्षा पास करके यहाँ पे बैठे हैं और इनको मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सिमरन का बैकग्राउंड मैं थोड़ा बता दूं कि सिमरन के पिताजी गारमेंट बिजनेस में काम करते हैं, साथ ही साथ ये खगड़िया के रहने वाले हैं। सिमरन दो बहन और एक भाई हैं, इनके दोनों जो छोटे, एक छोटा बहन भाई और एक छोटी बहन, दोनों जो हैं अभी तैयारी ही कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार रश्मि की तरह, जो मैंने पिछले एपिसोड में मिलवाया था कि सिमरन ने एक बड़े संतान होने का बहुत ही अच्छा, अपने पेरेंट्स को प्राउड पेरेंट फील होने का एक गर्व दिया है, क्योंकि बड़ा बच्चा यदि अच्छा करता है तो जाहिर सी बात है आने वाला उनका जो छोटा भाई बहन है वो भी उसी लाइन पे चलना चाहता है। तो सिमरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस करियर प्लान के इस स्टूडियो में, इस अचीवर्स टॉक में। आप अचीवर्स बने हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे खास बातचीत। हजारों लाखों बच्चे आपके शो को देखेंगे, सेशन को देखेंगे, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं, आप ये बताइए। आप कब से अपनी यात्रा शुरू की, आपकी जर्नी कैसे रही, कब आप आए, कहाँ आए, कैसे स्टार्ट किए, कैसे आप गए, एक पूरा प्रोसेस आप जरा बच्चों को बताएं, और ये भी बताएं कि आम बच्चे क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं जो आप अचीव कर गए फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने कम एज में, बताइए। सर,
सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपके मेंटरशिप और आपके ट्रस्ट के वजह से हमको सक्सेस मिला है. हम आई ओ माई अचीवमेंट टू यू बिकॉज सर आप बहुत ट्रस्ट करते थे और मेरा फैमिली ट्रस्ट के वजह से ही मेरा अचीवमेंट हुआ है. बींग अ एल्डर डॉटर मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे छोटे भाई बहन का और मेरे पे प्रेशर भी था सेम टाइम पे, बट फिर भी अचीवमेंट मिला बिकॉज ऑफ माई फैमिली ट्रस्ट. मेरे पापा मम्मी हमेशा हमको सपोर्ट किए हैं और हमेशा ट्रस्ट रखे हैं. कभी भी मेरा मिस हो जाता था तो हमको घर से फैमिली सपोर्ट बहुत मिला है और सर आपका भी बहुत सपोर्ट मिलता है और आप बहुत अच्छे से मेंटरशिप करते हैं जिसकी वजह से सक्सेस मिलता है. सर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2018 में आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना वेमेन्स कॉलेज. आई हैव डन बी सी ए इन माई ग्रेजुएशन. आफ्टर दैट आफ्टर वन मंथ ऑफ रिजल्ट आई हैव ज्वाइन करियर प्लानर. सर बेसिकली उस टाइम कोचिंग ज्वाइन किए थे और कोचिंग के फर्स्ट डे ही आप हम लोग को अलायंस क्लब के बारे में बताए थे. सर बस उस दिन इतना सारा अचीवर्स का सुन करके इतना उस समय कॉन्फिडेंस आ गया कि बस अब यही करना है. अलायंस क्लब को ही हम सब मान लिए थे और अलायंस क्लब ही ज्वाइन करना है, मेरा फर्स्ट मोटिव वही था. सर बैंकिंग मेरे दिमाग में बाद में था, पहले मेरे लिए अलायंस क्लब को अचीव करना था क्योंकि अलायंस क्लब जो रिजल्ट देता है और जो अचीवर्स का बात सुन के कॉन्फिडेंस आता है वो बाकी कभी इससे पहले हमको कभी नहीं आया था. सर फर्स्ट डे से हम कोचिंग जब ज्वाइन किए थे तो यही सोचे थे कि फर्स्ट पहले अलायंस क्लब भी ज्वाइन करना है. उसके बाद सर हम अलायंस क्लब ज्वाइन किए 2019 जनवरी में. मेरा अलायंस क्लब में भी बहुत ही कम मार्क्स से मिस होता रहा तो उस टाइम भी आपने बोला था कि तुम बहुत अच्छा करोगी और हमको बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया आगे. और उसके बाद मेरा 2019 में जनवरी में मेरा अलायंस क्लब में हुआ. तब से हम एक साल बहुत मेहनत किए और मेरा फर्स्ट रिजल्ट था FCI में. FCI में मैंने मेंस दिया. SBI POPT मेरा मिस हो गया था ओनली 1.25 मार्क्स से, बट दैट्स इट, कोई बात नहीं. कॉन्फिडेंस मेरा तभी भी लूज नहीं हुआ था क्योंकि मेरा FCI में हुआ था. देन मेरा रिजल्ट SBI क्लर्क में भी हुआ, उसमें भी मेंस दिए, बस फ्यू मार्क्स से छूट गया. और FCI में मेरा वेटिंग है अभी भी जो कि वैलिड होगा नेक्स्ट रिक्रूटमेंट तक. और नेक्स्ट एग्जाम मेरा IDBI हुआ, उसमें भी मैंने मेंस दिया और उसमें भी मेरा वेटिंग है. एंड नेक्स्ट उसके बाद मेरा IBBS PO हुआ जिसमें मैं मेंस तक गई पर इंटरव्यू तक नहीं जा पाई. मेरा उन लोगों के लिए है जिसका बहुत फ्यू मार्क्स से छूटता है. सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को होती है जिसका 1.25 से छूटता है. बट एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस कभी नहीं लूज करना चाहिए. जब मेरा बस 1 मार्क्स से छूट रहा है तो आज हम दुख है कि मेरा 1 मार्क्स से छूट रहा है, लेकिन क्यों 1 मार्क्स? सर आप भी कहे थे कि 10 मार्क्स ज़्यादा लाएंगे कट ऑफ से, 1 मार्क्स के लिए क्यों रोना? सर तभी हम सोच लिए थे कि कभी भी 1 मार्क्स के लिए रोना नहीं है, आज नहीं तो कल हो जाएगा. ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब में लक बहुत मैटर करता है. हर समय आपका आज लक काम नहीं करेगा, बट आप अगर मेहनत करते रहिएगा तो आपका लक आज नहीं तो कल तो काम देगा ही देगा, आपका लक साथ जरूर देगा. बस मेहनत करते रहना है. और सबसे पहली बात अलायंस क्लब सारा सक्सेस हम अपना अलायंस क्लब को ही देते हैं क्योंकि अलायंस क्लब एक ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं है. बस ये एक पूरा ओवरऑल एक्टिविटी है जो आपका पूरा पर्सनालिटी डेवलप करता है. फर्स्ट अलायंस क्लब में आपका स्टार्टिंग होता है डिस्क्रिप्टिव से, जिसमें मेंस में बहुत वेटेज होता है, खासकर भी SBI PO में हम लोग डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करते हैं. देन उसके बाद हमारा टेस्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट, जो कि पेपर हमारे स्टूडेंट ही सेट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्टूडेंट से बेटर कोई नहीं जान सकता कि एग्जाम में अभी कौन से लेवल का क्वेश्चन आ रहा है. देन एग्जाम देने के बाद हमारा रैंकिंग होता है और हर दिन का रैंकिंग पे हम लोग का बहुत नज़र होता है कि कौन फर्स्ट टॉप पे हो रहा है, कौन सेकंड पे होता है, ये सब बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. देन उसके बाद हमारा PDP पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है. उससे हमारा इंटरव्यू में बहुत हेल्प होता है क्योंकि पर्सनालिटी डेवलप करना सबके बस का बात नहीं है. मैं भी पहले बहुत हेजिटेट करती थी सब चीज़ कहीं सामने में, बहुत लोगों के सामने में बोलने में, बट आफ्टर अलायंस क्लब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड इंटरव्यू देने में आज हमको डर नहीं लगता. सर ओवरऑल अलायंस क्लब ही हेल्प करता है एक बच्चे के सक्सेस में. कोई भी इंस्टीट्यूट अगर अलायंस क्लब जैसा प्लेटफॉर्म रखता है तो बच्चे को सक्सेस जरूर मिलेगा. और सर मेरा अभी गोल अचीव नहीं हुआ है, मुझे PO बनना है, बट अभी हम क्लर्क बने हैं, ये मेरा सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है. हम कंटिन्यूस अभी कंटिन्यू करेंगे अलायंस क्लब एट होम, जो कि बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है. सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये नहीं कर पाती है. Within 10 days of lockdown, Alliance Club has at home has been started, and it is very good for us. Great, Simran. Simran ने आपको बहुत चीज बता दी बहुत ही सरल भाषे में कि एक विद्यार्थी को कैसे पास करना है, क्या प्रोसेस अपनाना है. तो Simran आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका Alliance Club में कितने बार में हुआ था? सर मेरा Alliance Club में 7 to 8 अटेम्प्ट में हुआ था. यहाँ पर एक मैसेज हम आपको देना चाहते हैं Simran के ही जो आपने सुना है उसके हिसाब से कि इनका सिलेक्शन अलायंस क्लब के अंदर
सातवां या आठवें बार में हुआ है। आप तो उन बच्चों के लिए जो अलायंस क्लब को ये समझते हैं कि यार एक बार दिया नहीं हुआ, दो बार दिया नहीं हुआ, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर मेरिट है तो एक न एक दिन आपको अलायंस क्लब में चुन ही लिया जाएगा। इसी में जैसा कि आप जानते हैं कि अलायंस क्लब एट होम कॉन्सेप्ट आपको सिमरन ने भी बताया स्टार्ट हुआ है। कोई भी विद्यार्थी जो हिंदुस्तान में कहीं भी बैठा है, किसी भी गांव में है, उसको यदि मेरिट है और साल दो साल चार साल पांच साल से रिजल्ट्स के लिए परेशान है, धूल फांक रहा है, सब कुछ कर लिया रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग करियर प्लानर लेके आई है अलायंस क्लब एट होम, जिसमें कि फिजिकल क्लासरूम में बगैर आए हुए उसको सफलता कैसे मिलेगी इसके बारे में यहाँ से मेंटरशिप और ट्रेन कर दिया जाएगा। 60 आवर्स का कॉर्पोरेट लीडरशिप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है पर मंथ वो उनको भी दिया जाएगा। तो सिमरन, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक प्रश्न ये हम पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग डिवीजन के लिए, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए? सर, जो बैंकिंग के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली उनको अपना तैयारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा हर एक चैप्टर का और हर एक टॉपिक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि और उनको बेसिक पता ही नहीं होता है, उससे आपका स्पीड कभी मेंटेन नहीं होगा क्योंकि बैंकिंग में स्पीड बहुत मैटर करता है। बैंकिंग इज नॉट टफ, बट आपको स्पीड हमेशा बढ़ाना होगा अपना, बहुत ही स्पीड चाहिए, जिसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले कोचिंग में आकर के अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट नहीं अलायंस क्लब जैसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, जिससे आपका बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगा। आपके टेस्ट से लेकर आपका पूरा पर्सनालिटी, जो कि आपका इंटरव्यू की फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू ही दिलाता है, आपको वहां पे बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए और वो सिर्फ अलायंस क्लब से ही मिल सकता है। तो सही कहा सिमरन ने बच्चों, जो कि आपको समझना है कि इन्होंने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया कि आप सबसे पहले यदि आपके पास बैंकिंग में रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और जीए है, तो सभी विषयों का आपको जानकार बनना है, किसी विषय का विशेषज्ञ बनने की गलती ना करें। साथ ही साथ सभी विषयों का बैलेंसिंग सीखें, जो ये बार बार कह रहे हैं, किसी ट्रिक पे आधारित पढ़ाई ना करें, आप प्योर कॉन्सेप्ट पे आधारित पढ़ाई करें। बेसिक्स टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आप मेंस लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को क्लिक कर पाएंगे। पीटी स्पीड देता है तो मेंस आपके लिए एक्यूरेसी देता है। बैंकिंग की यदि नट्स में बात की जाए तो न्यू पैटर्न इसी पे आधारित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। बहुत सारे जो अभी 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 सिमरन ने अपने बातचीत में ये भी आपको कहा कि सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट करके काम नहीं चलेगा, अभी आपको उन्होंने कहा, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यदि आप सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट कर लेते हैं, कोई ऑनलाइन पैकेट दो महीने तीन महीने चार महीने का खरीद लेते हैं, तो ये अचीवर्स हैं, आप इन्हीं से पूछ सकते हैं कि इनको एक से सवा साल का समय लगा है, डेढ़ साल का समय लगा है। क्या आपको लगता है कि आज जीरो लेवल से कोई विद्यार्थी जर्नी की शुरुआत करता है तो क्या तीन से पांच महीने में उसको जॉब मिल सकता है? नो सर, ऑफ कोर्स जीरो लेवल से मैंने भी स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे बेसिक क्लियर करते करते और तो ईमानदारी से यदि रखा जाए तो कितना समय आपको लगता है कि पर्याप्त होता है जॉब को पाने के लिए? सर, विद इन वन टू टू ईयर जॉब मिलना बहुत आसान है, बट अपना मेहनत को कभी नहीं छोड़ना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट का स्पीड और ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ना बहुत जरूरी है जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करा है। एग्जैक्टली, सिमरन बार बार एक ही चीज को हिट करना चाह रही है कि वो काम आप न करें जो आम बच्चे गलती कर देते हैं कि तीन महीने चार महीने पांच महीने ऑनलाइन पैकेट के चक्कर में या ऐसे जगह पे कम एडवर्टीजमेंट आता है और तैयारी करने में लगते हैं तो शायद आपका नहीं होगा। लाइफ इज नॉट ए कप ऑफ कॉफी, ये मैसेज मैंने पहले भी अचीवर्स टॉक में आपको दिया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके लिए एक साल से डेढ़ साल से दो साल का एक हॉरिजन आपको लेके चलना पड़ेगा। यदि आप कम समय में रिजल्ट देना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट मिलनी पक्की है। बट एक चीज हमेशा याद रखें, जो ये लोग बार बार आपको कह रहे हैं, पर्सनालिटी, यानी यदि आपको अच्छा करना है तो एज ए स्टूडेंट आपको आज के लिए मत देखिए, आपको तैयारी ऐसी करनी है कि जब आप अपने संस्थान में काम करेंगे तो वहां का लेवल क्या है और वहां आपको क्या चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बार बार एक ही चीज सिमरन आपको बता रही है कि अलायंस क्लब में करियर प्लानर में उनको हर चीज मिल गया, चाहे वो क्लासरूम का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, क्लासरूम लेक्चर्स हो, या उनके लिए अलायंस क्लब जैसी सुविधा हो, या उनका पर्सनालिटी हो, ओवरऑल इनको यहाँ पे मिला है, जिसके लिए बार बार तहे दिल से आप सभी लोगों को क्या कर रही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये खास बातचीत जो सिमरन का है काफी पसंद आया होगा और बहुत बच्चे जो इस बार किसी कारण से छूट गए होंगे, इनसे आप राय लेकर, इनकी बातों को, जुबान को सुनकर आप भी चाहेंगे कि आप भी जो है इस तरह के मंच पर आए और अपना सक्सेस टिप्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ साझा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।